वरिष्ठ भाजपा नेत्री और समाज सेविका डॉक्टर सलोनी सिंह धाकड़ ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेदारी में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क उपचार किया गया और उसके बाद उन्हें निःशुल्क रूप से दवाई प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार भाजपा नेत्री डॉक्टर सलोनी सिंह धाकड़ ने देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्वालियर के सौजन्य से पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन फ्री मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक चलित अस्पताल की शुरुआत की है। देवराज हॉस्पिटल ग्वालियर के सहयोग से सलोनी सिंह लगातार स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण इलाकों में कैंप का आयोजन कर रही हैं। आपको बता दें कि सलोनी सिंह लगातार विगत कई वर्षों से पोहरी विधानसभा क्षेत्र में कई प्रकल्पों से जनता की सेवा कर रही हैं, जिसमें विशेष रूप से वे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही हैं। कैंप में प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को मुफ्त उपचार एवं दवाएं प्रदान की जा रही हैं। सलोनी सिंह ने कैंप की शुरुआत अपने बड़े भाई स्वर्गीय देवराज सिंह किरार की जन्म जयंती पर विगत 26 जनवरी को ग्राम श्रीपुरा वैराट से की थी और तब से लेकर अब तक लगातार ये चलित अस्पताल जिसमें डॉक्टर्स नर्स स्टाफ हैं अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जी जी, ये जो हमारा शिविर अभी क्या कर रहा है वो हमारा देवराज इंस्टीट्यूट की तरफ से है, देवराज अस्पताल की तरफ से। और आज हम गांव में जगह जगह जाके पौरी क्षेत्र में पौरी विधानसभा में हर जगह जा जाके फ्री में कैंप लगाते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं मरीजों को और हर प्रकार की दवाइयाँ बीमारियों का इलाज भी करते हैं। और ये फ्री सेवा क्या कर रहे हैं अभी सारी। तो क्या क्या आप इसमें देखते हैं, किन किन मरीजों को देख रहे हैं? सभी तरह के मरीज आते हैं, जो असाध्य बीमारियां रहती हैं उनको हम लोग रेफर कर देते हैं, जो करंट में जो रहता है उनको हम तुरंत दवाई देते हैं और फिर उनको दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं। अभी तक पौरी विधानसभा में कितने गाँव में आप शिविर लगा चुके हैं? लगभग 50 से 60 गाँव का हम अभी तक शिविर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी आगे पूरा पौरी क्षेत्र हम लोग देखेंगे सारे गाँव को।